उदयपुर के नजदीक किसी क्षेत्र में चतुर्भुज भगवान का मंदिर था। देवाजी वहां के पुजारी थे, सच्चे भाव से अपने परमात्मा की सेवा करते थे। अपने भगवान को भोग लगाना, उन्हें तैयार करना उन्हें बड़ा पसंद था। उनका सारा समय परमात्मा की सेवा में जाता था। इस मंदिर की एक विशेषता यह थी, उदयपुर के राणा जी भी नित्य प्रति आकर मंदिर में प्रणाम करते थे। जब राणा जी मत्था टेकने आते तो देवा जी का नियम था, वह भगवान के श्री अंग पर चढ़ी हुई माला राणा जी को समर्पित करते थे। राणा जी उसे प्रसाद स्वरूप समझकर अपने गले में धारण कर घर आते थे। अब रोज का नियम था, राणा जी रोज आए, देवा जी भगवान को चढ़ी माला राणा जी को दे देते थे। एक दिन राणा जी को आने में समय लग गया। देवा जी विचार करने लगे, आज राणा जी आए नहीं हैं, क्या हुआ है, और मुझे मंदिर भी बंद करना है। अब मंदिर बंद किया जाए या राणा जी का इंतजार किया जाए, इस प्रकार विचारों का मंथन मन में चल रहा था। तभी देवा जी ने सोचा, भगवान के कपाट तो बंद करने ही चाहिए। ऐसा सोचकर देवा जी ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। अभी मुख्य द्वार बंद करना ही था कि राणा जी का सिपाही भगते हुए आया और कहने लगा, देवा जी मुख्य कपाट बंद नहीं कीजिएगा, राणा जी दर्शन करने आए हैं। देवा जी ने कहा, मैंने मंदिर तो बंद कर दिया है, अब राणा जी को चौखट पे ही दर्शन करने पड़ेंगे। इतने में राणा जी भी मंदिर के अंदर आ गए, कहने लगे, मैं भगवान के चौखट के दर्शन ही करूँगा, क्योंकि मुझे प्रसाद स्वरूप तो माला मिल ही जाती है। पर आज विचित्र घटना घटित हुई। राणा जी को आने में समय था। जब तक राणा जी आने वाले थे तब तक देवा जी ने भगवान के श्री विग्रह से माला उतार कर अपने नज़दीक रखी थी कि राणा जी आएंगे उन्हें दे दूंगा। पर राणा जी को आने में समय लगा तो आज देवा जी ने वह माला अपने गले में धारण की। उनके मन में यह सदा इच्छा रहती थी कि मैं भी तो इस माला को कभी पहन कर देखूँ कि परमात्मा की माला का सामिप्य कैसा अनुभव कराता है। यह परमात्मा का प्रसाद है, यह मेरे जीवन में कितना परिवर्तन लाता है। देखो, भक्तों की तो यही खासियत होती है, उन्हें परमात्मा की कोई भी वस्तु मिल जाए वह अपने से अधिक उसकी संभाल करते हैं। आज पहली बार देवा जी ने भगवान की माला को अपने अंगों से लगाया था, इसलिए उनका मन बड़ा प्रसन्न था। पर अचानक से राणा जी आ गए। उनकी खबर सुनते ही देवा जी ने वह माला अपने गले से उतार कर वापस उसी स्थान पर रख दी थी। अब जैसे ही राणा जी ने चौखट को प्रणाम किया, राणा जी कहने लगे, देवा जी मेरा प्रसाद मेरी माला कहाँ है। देवा जी ने वह माला उठाकर राणा जी को दी। राणा जी ने जैसे ही वह माला अपने गले में धारण की तो देखकर हैरान हो गए। उस माला के अंदर उन्हें एक सफेद बाल दिखाई दिया। राणा जी पूछने लगे, देवा जी इस माला में सफेद बाल कैसे आ गया। राणा के सवाल को सुनकर देवा जी भयभीत हो कांपने लगे। उनका मन भय से व्याप्त हो गया, अगर मैंने सच बता दिया कि आज माला मैंने पहन ली थी तो राणा जी मुझे सजा दे सकते हैं। ऐसा सोचकर देवा जी ने मिथ्या वचन कहे, कहने लगे, मुझे तो पता नहीं। राणा जी ने कहा, सच सच बताओ, क्या तुमने इस माला को अपने गले में धारण किया है। देवा जी कहने लगे, अरे मैं यह गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, यह माला तो आपके लिए है, आप ही पहनते हो। तो राणा जी ने कहा, फिर इस माला में सफ़ेद बाल कैसे आ गया। तब देवा जी कहने लगे, आज भगवान के बाल सफ़ेद थे। राणा जी क्रोधित होकर कहने लगे, देवा जी क्या बकते हो, भगवान के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं, वह तो बिल्कुल काले हैं, पक्का आपने ही इस माला को पहना है। देवा जी कहने लगे, अगर आपको यकीन ना हो कल प्रातःकाल आकर देख लेना, मैं कहता हूँ ना भगवान के बाल सफ़ेद हैं। अब तो राणा जी को भी क्रोध आ गया। शास्त्रों में आया है, राज अटवी साधारण नहीं होता है। राजा अगर किसी बात पर अड़ जाए तो जैसे तैसे वह पीछे होता ही नहीं। अब राणा जी ने भी हट कर लिया, कल सुबह इसकी परीक्षा की जाएगी, अगर भगवान की मूर्ति के बाल
सफेद ना होकर काले निकले तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मेरा तो यकीन पक्का है, यह माला तुमने पहनी है उसके बाद मुझे समर्पित की है। देवाजी कहने लगे, तुम रखो परमात्मा पर, परमात्मा के बाल सफेद ही है। अब राणा तो क्रोधित होकर निकल गए। अब देवाजी विचार करने लगे, मैंने बोल तो दिया भगवान के बाल सफेद हैं। अब भगवान को याद करके देवाजी के आंखों में आंसू आने लगे। वह रोकर परमात्मा को कहने लगे, परमात्मा आज तो मेरी लाज आपने बचा दी, कल प्रातःकाल राणा अवश्य आएगा और देखेगा, अगर उसने देख लिया आपके बाल सफेद नहीं हैं तो मुझे मृत्यु दंड देगा, मैं मारा जाऊंगा। मेरे मन में तो यही भाव था कि राणा रोज आपकी माला को स्वीकार करता है, आज मैं भी उसे अंग पर पहनकर यह अनुभव कर सकूं कि आपका सामीप्य कितना आनंद देता है, इसलिए मैंने उस माला को धारण किया था। हे भगवान, अब आप मेरी रक्षा करना। और इस प्रकार प्रार्थना करते करते देवाजी को मंदिर के चौखट पर ही नींद आ गई। प्रातःकाल हुआ, देवाजी उठे और जैसे ही देवाजी ने आज स्नान करके अपने भगवान चतुर्भुज जी का मंदिर खोला, मंदिर खोलते ही हैरान हो गए। जिस चतुर्भुज स्वामी जी के विग्रह को निरंतर काले बाल दिखाई देते थे, आज देवाजी की सच्ची प्रार्थना पर वह काले बाल सफेद हो चुके थे। आज राणा जी भी जल्दी से मंदिर में उपस्थित हो गए और कहने लगे, देवाजी कहाँ हो? देवा हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं यहाँ पर हूँ। कल तुमने कहा था कि भगवान के बाल सफेद हैं, आज मैं स्वयं उनका निरीक्षण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर राणा जी भगवान के विग्रह के नज़दीक आए और राणा ने देखा कि भगवान के विग्रह के जो बाल हैं वह सफ़ेद हैं। राणा को लगा, हो सकता है देवाजी ने अपने आप को बचाने के लिए भगवान के मस्तक पर जो नकली बाल लगाए जाते हैं उन काले बालों को हटाकर सफ़ेद बाल लगा दी है। ऐसा मन में विचार कर राणा जी ने भगवान के बाल खींचे। उन बालों को खींचते ही भगवान की मूर्ति के मस्तक से रक्त आना प्रारंभ हो गया। राणा जी देखकर हैरान हो गए, थोड़ा रक्त तो राणा जी के कपड़ों पर लग गया। राणा जी सोचने लगी, यह क्या है, यह बाल नकली नहीं, यह तो भगवान के असली बाल हैं। और ऐसा सोचकर राणा को बड़ा दुख हुआ। राणा कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हुआ है। तब उस समय वहाँ पर आकाशवाणी हुई, राणा तुमने बड़ा अपराध किया है, पहली बात तो तुमने अकारण ही मेरे सच्चे भक्त को दुख दिया है, दूसरी बात मेरे भक्त के मना करने के पश्चात भी तुम मेरे श्री विग्रह के नज़दीक आ गए, तीसरी बात तुमने मुझ पर भी यकीन नहीं किया, मेरे मस्तक के बालों को खींचा है, आज के बाद कोई भी उदयपुर का राणा मेरे मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यह मेरा श्राप है। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी विलुप्त तो हो गई। राणा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने देवाजी से क्षमा मांगी। देवाजी से कहने लगे, हमें क्षमा करो, हमें अभयदान दो, हमारी रक्षा करो। तब देवाजी ने पुनः परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमसे अनेक भूलें होती हैं, राणा जी से भी भूल बन पड़ी है, इसे क्षमा करो। भगवान की मूर्ति ने आदेश दिया, उदयपुर के सिंहासन पर जितने भी राणा विराजमान होंगे वह दूर से दर्शन अवश्य कर सकते हैं, पर मेरे नज़दीक नहीं आ सकते। भगवान की यह बात सुनकर राणा जी प्रसन्न हुए। उधर देवाजी रोकर कहने लगे, हे परमात्मा, आज आपने मेरी लाज रखी है, मेरी रक्षा की है, मेरी पुकार पर आपने काले बालों को सफ़ेद कर दिया, आपने नकली बालों को अपने मस्तक पर असली बना दिया, हे हरि, आपसे अधिक करुणा में कौन हो सकता है। तो परमात्मा अपने भक्तों की अवश्य लाज रखते हैं, विश्वास सच्चा हो, पुकार इतनी सच्ची हो कि परमात्मा तक पहुंच जाए, और जब हमारे हृदय की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है तो वह स्वयं चले आते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों के सदा सहायक हैं,
उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।